एक गुनाह के बारे में ज़कात अदा न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास माल हो उसकी ज़कात अदा न करता हो तो माल कल क़यामत के दिन एक ऐसा सांप बना दिया जाएगा जो गंजा होगा, उसकी आंखों पर काले नुक्ते होंगे, फिर वो सांप उसको उस वक्त तक निगलता रहेगा जब तक बंदों के दरमियान फैसला न हो जाए। आखिरत के अमल से दुनिया हासिल करना। जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता हो उसके चेहरे पर फटकार होगी, उसका जिक्र मिटा दिया जाता है और उसका नाम दोजख में लिख दिया जाता है। मुसलमानों से जन्नत का वादा। अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों मुसलमान औरतों से ऐसे बाबों का वादा कर रखा है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये लोग हमेशा उन बाबों में रहेंगे। ऐसे उम्दा मकानों का वादा फरमाया जो हमेशा रहने वाले बाबों में होंगे। अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, यह बहुत ही बड़ी कामयाबी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, ज़मीन की हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाया करो, शैतान के नक्श कदम पर मत चला करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वो तुमको बुराई और बेहयाई की बातों का हुक्म देता है, इस बात का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह के मुतालिक ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। अल्लाह ताला